नमस्कार, सिमरन की रसोई .com में आप सभी का स्वागत है। आज हम रोस्टेड चिड़वा नमकीन बनाएंगे। रोस्टेड चिड़वा नमकीन खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और इसमें बहुत ही कम तेल यूज होता है, इसलिए ये हेल्दी भी होता है। इसे हम स्टोर करके 1 से 2 महीने तक रख कर खा सकते हैं। इसे बनाना भी बहुत आसान है और बहुत ही कम समय में बन जाता है। तो अगर आज की रेसिपी आपको मेरी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए रोस्टेड पोहा नमकीन बनाने की रेसिपी को हम शुरू करते हैं। रोस्टेड चिड़वा नमकीन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 300 ग्राम चिड़वा लिया है। 25-30 मैंने यहाँ पर बादाम लिया है। बादाम को मैंने इस तरह से 2 टुकड़ों में कर लिए हैं। 25-30 मैंने यहाँ पर काजू लिए हैं। आधा कप मैंने यहाँ पर मूंगफली ली है। 15-20 मैंने यहाँ पर किशमिश लिए हैं। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर सूखा नारियल लिया है जिसको मैंने पतले पतले टुकड़ों में काट लिया है। मसालों में मैंने यहाँ पर 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच नमक या टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1/4 छोटी चम्मच आमचूर पाउडर, 1 छोटी चम्मच पाउडर शुगर, कुछ मैंने यहाँ पर करी लीव्स लिए हैं, फ्रेश करी लीव्स, 1 हरी मिर्च और वेजिटेबल ऑयल। सबसे पहले हम चिड़वा को ड्राई रोस्ट करेंगे। चिड़वा को कढ़ाई में डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसको इस तरह से चलाते हुए हम 5-6 मिनट तक रोस्ट करेंगे। ये हमारा चिड़वा रोस्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो चुका है और तोड़ने से ये एकदम बिल्कुल इस तरह से चूरा बन रहा है। अब गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब हम कढ़ाई में ऑयल डाल देंगे और ऑयल को हम गर्म होने देंगे। थोड़ा सा गर्म होने पर इसमें हम ये मूंगफली डाल देंगे और इनको हम फ्राई कर लेंगे। मूंगफली को हम बस 1-2 मिनट तक फ्राई करेंगे। ये हमारी मूंगफली फ्राई हो चुकी है, अच्छी खुशबू आ रही है इनसे। अब इनको हम निकाल लेंगे। अब इसमें हम बादाम, काजू और ये नारियल फ्राई करेंगे। गैस की फ्लेम हम यहाँ पर मीडियम रखेंगे। इनको भी हम 1-2 मिनट तक फ्राई करेंगे। ये तीनों चीज भी हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे और इनको भी हम निकाल लेंगे। बचे हुए तेल में हम ये करी पत्ते और हरी मिर्च डाल देंगे। इनको थोड़ा सा हम चला लेंगे। करी पत्ता और हरी मिर्च को थोड़ी देर बाद चलाने के बाद इसमें हम हल्दी पाउडर डाल देंगे। हल्दी को भी थोड़ा सा हम चला लेंगे ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। अब इसमें हम ये किशमिश डाल देंगे। इनको भी थोड़ा सा हल्का सा फ्राई कर लेंगे। हमारी किशमिश भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें हम ये चिड़वा डाल देंगे। गैस की फ्लेम बिल्कुल हम यहाँ पर लो रखेंगे। ये ड्राई फ्रूट्स जो हमने फ्राई करके रखे थे ये भी डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद के अनुसार कम ज़्यादा ले सकते हैं। नमक भी डाल देंगे। अच्छे से इनको हम मिक्स करेंगे। पाउडर शुगर, आमचूर पाउडर और आप सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये सारी चीजों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। हमारा चिड़वा नमकीन बनकर तैयार है। अब इसको हम एक बाउल में या प्लेट में निकाल लेते हैं। और ये लीजिए, हमारा रोस्टेड चिड़वा नमकीन बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा बना है। खाने में ये टेस्टी तो होता ही है, साथ में कम तेल होने की वजह से ये हेल्दी भी होता है। आप इसे कोई भी एयर टाइट कंटेनर में भरकर 1 से 2 महीने तक आराम से खा सकते हैं। तो आप इसे घर पर जरूर ट्राई करें, खाएं और फिर अपने कमेंट्स मेरे चैनल पर शेयर करें। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको मेरा कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको मेरी पसंद आई होगी। अगर आज की रेसिपी आपको मेरी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।
फिर मिलते हैं हम एक नई रेसिपी के साथ। आज की रेसिपी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।